हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पूर्वी। आज हम बात करने जा रहे हैं कैल्शियम डेफिशिएंसी के बारे में। उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आगे के वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सबसे पहले ये जानना इम्पॉर्टेंट है कि कैल्शियम का हमारी बॉडी में क्या रोल है। कैल्शियम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। कैल्शियम इंपॉर्टेंट है ऊसाइड एक्टिवेशन। ऊसाइड एक्टिवेशन ये एक फर्स्ट स्टेज है फर्टिलाइजेशन का। ऊसाइड ये एक सेल है जो ओवरी में होता है और ओवम फॉर्म करने में हेल्प करता है। मतलब कैल्शियम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है फर्टिलाइजेशन में भी। कैल्शियम इंपॉर्टेंट है टीथ और बोन्स के लिए। कैल्शियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नेल्स के लिए और हेयर ग्रोथ के लिए। उसके बाद बात करेंगे हार्ट की, तो कैल्शियम हार्ट बीट्स को भी रेगुलेट करता है और कैल्शियम ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में भी बहुत हेल्प करता है। उसके बाद बात करेंगे मसल्स की। मसल्स को कैल्शियम चाहिए टू मूव। नर्व्स को कैल्शियम हेल्प करता है टू कन्वे द मैसेज टू द ब्रेन। मतलब जो मैसेज वो ब्रेन और बॉडी पार्ट्स के बीच में कन्वे करते हैं उसके लिए कैल्शियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्लड क्लॉटिंग जो होता है बॉडी में वो भी कैल्शियम के ऊपर डिपेंड है। बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स हैं जिनका एक्टिविटी भी कैल्शियम के ऊपर डिपेंड है। कैल्शियम हेल्प करता है प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में भी और प्रेगनेंसी में भी। कैल्शियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि प्रेगनेंसी में फीटल बोन ग्रोथ के लिए कैल्शियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेटाबॉलिज्म के लिए बिकॉज वो बहुत सारे हॉर्मोन्स को रेगुलेट करता है। अब बात करेंगे कैल्शियम के नॉर्मल लेवल्स के बारे में। कैल्शियम के नॉर्मल लेवल्स है 8.8 टू 10.4 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर्स। और बच्चों में ये लेवल उससे भी ज़्यादा रिक्वायर्ड है क्योंकि बच्चों में बोन्स और टीथ का ग्रोथ होता है तो उसमें कैल्शियम का ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो अगर 8.8 से कम है कैल्शियम तो आप डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम से सफ़र कर रहे हैं। अब बात करेंगे कैल्शियम डेफिशिएंसी के सिम्टम्स के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है मस्कुलर क्रैम्प्स या मसल स्पैज़म जिसको हम बोलते हैं। मस्कुलर फटीगनेस होगा। उसके बाद बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं कि सुई चुभने जैसा दर्द हो रहा है मसल्स में और झुंझुनाहट मतलब नमनेस आपको फील होगी कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से लेग्स में, आर्म्स में, हैंड्स में और फीट में और अराउंड द माउथ। कैल्शियम डेफिशिएंसी से आपको नींद कम आने का भी प्रॉब्लम हो सकता है और बहुत ज़्यादा नींद आने का भी प्रॉब्लम हो सकता है। मतलब बहुत ज़्यादा स्लीपीनेस, ड्राउजीनेस, लैक ऑफ एनर्जी से भी आप सफ़र कर सकते हैं कैल्शियम की कमी की वजह से। स्लगिशनेस से भी सफ़र कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है स्किन की। कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई और इच्ची हो जाएगी। और स्किन रिसर्च में ये समझा है कि जो हाइपोकैल्शेमिया है मतलब जो कैल्शियम डेफिशिएंसी है वो एक्जिमा और सोरियासिस से भी रिलेटेड है। एक्जिमा जो है वो फिर भी इजीली मैनेजेबल है और इजीली ट्रीटेबल है, लेकिन जब हम बात सोरियासिस की करते हैं इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज। कैल्शियम की डेफिशिएंसी से नेल्स भी बहुत ज़्यादा ड्राई और ब्रिटल हो जाते हैं और कैल्शियम डेफिशिएंसी से बालों का भी प्रॉब्लम हो सकता है जैसे कि एलोपेशिया इराटा मतलब जो हेयर फॉल कॉइन शेप में होता है। उसके बाद कैल्शियम डेफिशिएंसी से ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोपेनिया का भी प्रॉब्लम हो सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस में बोन्स जो है बहुत ज़्यादा थिन और ब्रिटल हो जाते हैं और इजीली फ्रैक्चर होने का चांसेस होते हैं। ऑस्टियोपेनिया में मिनरल डेंसिटी ऑफ द बोन कम हो जाता है। उसके बाद जैसे मतलब कैल्शियम डेफिशिएंसी है और आपको फूड से प्रॉपर कैल्शियम नहीं मिल रहा है या आपकी बॉडी में विटामिन डी कम है जिसकी वजह से जो फूड से मिला है कैल्शियम वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। बॉडी कैल्शियम बोन्स से लेती है जो बोन्स में स्टोर्ड है। इसकी वजह से बोन्स एकदम पोरस हो जाते हैं, अंदर से खोखले हो जाते हैं कैल्शियम की कमी हो जाने की वजह से। उसके बाद बात करेंगे प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के बारे में। मतलब कैल्शियम बहुत ज़्यादा हेल्प करता है मूड डिसऑर्डर्स को ठीक करने के लिए। ड्यूरिंग मेंसेस जो डिप्रेशन का प्रॉब्लम होता है बहुत सारे फीमेल्स में, कैल्शियम उसको भी ठीक करता है। उसकी कमी की वजह से वो डिप्रेशन ज़्यादा होता है और मतलब जो भी फ्लूइड रिटेंशन प्रॉब्लम होता है जैसे थायराइड डिसऑर्डर में, हाइपोथायरॉयडिज्म में वाटर रिटेंशन होता है तो कैल्शियम जब बॉडी में प्रेजेंट रहता है तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है वो वाटर रिटेंशन को रिड्यूस करने में। कैल्शियम की बॉडी में कमी होने की वजह से टीथ भी बहुत ज़्यादा वीक और ब्रिटल हो जाते हैं और टीथ डिके का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है। जब बात बच्चों की करेंगे तो टूथ फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा डिलेड हो जाता है कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से और डिप्रेशन भी बहुत ज़्यादा देखा जाता है उन पेशेंट्स में जिनमें कैल्शियम डेफिशिएंसी होता है। डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम के कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन है फ्रैक्चर्स एंड डिसेबिलिटीज़। उसके बाद कन्वर्जेंस मतलब फिट्स भी हो सकते हैं। उसके बाद क्रॉनिक स्किन डिजीजेस, क्रॉनिक जॉइंट डिसऑर्डर्स और मेंटल डिसऑर्डर्स और उसके बाद डेंटल प्रॉब्लम्स। अगर आपकी बॉडी में ये सारे सिम्टम्स में से कुछ भी आप नोटिस कर रहे हैं तो आपको सीरम कैल्शियम लेवल चेक कराना इम्पॉर्टेंट है और सीरम विटामिन डी3 लेवल्स। इससे आपको ये समझेगा कि अगर डी3 की कमी है
तो कैल्शियम जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है बॉडी में, उसके लिए आपको विटामिन D3 के सैचे, जो कि अप्राइज D3 नाम से है, अप्राइज D3 सैचे आपको हफ्ते में एक बार 2 हफ्ते के लिए लेना है। होम्योपैथी में होम्योकैल करके टैबलेट्स है जो आपको दिन में 4 बार लेने हैं, 2-2 टैबलेट्स। और आपको ये टैबलेट्स लेने के साथ साथ डाइट का भी ध्यान रखना है। डाइट में आपको कैल्शियम रिच फूड लेना है, जैसे कि मिल्क, टोफू और ब्रोकली। इसका जो डिटेल डाइट होगा वो हम आपको इस वीडियो के Part 2 में बताएंगे, जो कि इसके बाद रिलीज होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।